देखिए, नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। इंडियन गुजरात वडोदरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। गुजरात के वडोदरा से एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस के रोड शो दोनों साथ कर रहे थे, तो एक दिव्यांग लड़की प्रधानमंत्री मोदी के स्केच वाला फोटो फ्रेम लेकर आई। प्रधानमंत्री ने पहले उस लड़की का अभिवादन किया, उसके बाद पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी गाड़ी से उतरे, उस लड़की से मिले। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस ने भी लड़की के साथ हाथ मिलाया। एक वक्त ये था कि हमें मोदी पे बहुत गुस्सा आता था, वो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। यूरोप जो है, इट इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया विल बी रिमेम्बर्ड एज, जिसे कहते हैं ना, मोदी इज इंडिया। पहली बात तो ये है कि वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी बेहतर है नरेंद्र मोदी से? पेपाल हमारे मुल्क में ब्लॉक है, उसके बाद इंटरनेट की सिचुएशन है आपके सामने। आप जिस मुल्क के साथ कंपेयर कर रही हैं, पहले आप उनको देखें तो सही। जितना हमारा पूरे मुल्क का खजाना है ना, उतना उनके एक टाटा कंपनी का रेवेन्यू है। आज इस दुनिया की जो शक्ल है मरियम बेटा, इसमें हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो भी नहीं है। पहले स्केच लिए, फिर वो नीचे आए, मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इंडियन गुजरात वडोदरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो कर रहे थे। वहां पे एक स्पेशल बच्ची आती है जो कि टांगों से माजूर होती है, व्हील चेयर पर होती है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्केच की हुई तस्वीर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देती है, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले उस बच्ची का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ कर जो है अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, स्पेशली उस बच्ची से आके मिलते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी उस बच्ची के साथ हाथ मिलाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रही है। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। एक वक्त ये था कि हमें मोदी पे बहुत गुस्सा आता था। अच्छा। कि यार ये कितना क्रूर सा बंदा है, गुजरात के मामलात में मुसलमानों के खिलाफ, तो वो एक वक्त था और हमें बहुत बुरा भी लगता था, गुस्सा भी होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो चेंज हुई हैं, उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकॉनमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया कि, और इंडिया ने ग्रो किया। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टेन्योर में, उसका तीसरा टेन्योर है, ठीक है, तो वो तीसरा टेन्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो, लेकिन इंडिया ने ग्रो किया और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए, हमने देखा कि इंडिया ने ग्रो किया, ठीक है, तो इसका जो भी क्रेडिट है उसकी हुकूमत को ही जाएगा ना। उसने पॉलिसीज रखी और अपने साथ दूसरी जमातों को लेके चला या नहीं लेके चला, लेकिन उसने अपनी एक हाकमियत कायम रखी, और ये चीज़ एक पॉजिटिव साइन था कि एक हुकूमत 10 से 15 साल उसने वक्त गुजारा और उसकी पॉलिसीज में इंडिया को फ़ायदा हुआ। सर, इसमें तो कोई शक नहीं। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी साहब का एक क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो कर रहे थे, तो वहाँ पे एक पैरों से माजूर बच्ची नरेंद्र मोदी के लिए एक तस्वीर बनाकर लेकर आई। गार्ड ने वो तस्वीर जो है नरेंद्र मोदी साहब को दी। पहले उन्होंने गाड़ी के ऊपर से बच्ची का शुक्रिया अदा किया, फिर उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ दिए, वो खुद नीचे उतरे, बच्ची को जो है उसका हालचाल पूछा, उसका शुक्रिया अदा किया, और जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये देखा तो उन्होंने भी बच्ची के साथ जो है वो शेक हैंड किया। तो सोशल मीडिया पर उनका ये क्लिप जो है बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब आप देखें कि हम अक्सर नरेंद्र मोदी साहब को तनकीद करते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं कि वो बुच्चर ऑफ गुजरात हैं, लेकिन जिस तरह से वो दुनिया के लिए और लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, वो सारी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है। नहीं, सबसे पहले तो जो उनका है, हम इनका रोड शो करते हैं और एक क्लिप वायरल हुआ, ये इसको पहले ये कोई अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी ये नाज नखरे होते हैं, जिस तरह खूबसूरत
लड़की ने अपना मेकअप करना है, झुमके पहनने हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपकी जमहूरियत और आपके इक्तदार के ये नाज नखरे होते हैं कि जो आपने कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है, और लोगों को दिखाना होता है कि हम कितने पोलाइट हैं और कितने सन्सियर हैं आपके लिए। तो ये प्लान्ड भी होता है और ना भी हो तो एक अच्छी बात है कि एक वज़ीर आज़म अगर ये प्रोटोकॉल एक बच्ची को देता है तो खुश आइन तो है, लेकिन ये जमहूरियत और इक्तदार के लिए ये नाज नखरे होते हैं, ये सभी लोगों की कोशिश होती है। हाँ, ये एक फ़र्क है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब जो हालात वाकयात हैं, कोई भी वज़ीर मुशीर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी इस तरह के इसलिए नहीं करता कि एकदम से आवाज़ें कसना शुरू हो जाती हैं, चोर आ गए वगैरह वगैरह, इसलिए फिर वो रोडों पे नहीं आते। देखिए, नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का, जो बात समझने वाली है, वो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया विल बी रिमेंबर्ड एज, जिसे कहते हैं ना, मोदीज इंडिया, इंडिया विल बी रिमेंबर्ड एज मोदीज इंडिया, लोग याद करेंगे इसको, ठीक है ना जी, लोग याद करेंगे इसको, जिसे वो कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म याद करेंगे, ठीक है ना जी, और लोगों को इस चीज़ का पता है, ठीक है, कि लोगों को इस चीज़ की सारी समझ है कि ये एक चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना, ये एक चीज़ लीडर्स को अपने जहाँ पे उनका होम टाउन होता है उनको ये करनी पड़ती है फॉरएवर, ठीक है ना। अगर वो नहीं करते, अगर वो नहीं वो होता तो फिर एक चीज़ तो होती है ना, वो जैसे कहेंगे आप, आज इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया टेक्नोलॉजी चाहता है, वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया के पैसे चाहते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने इसको अभी तक रीड किया है, ठीक है ना जी, जो मैंने रीड किया है वो ये है, ये मैंने रीड किया और मैंने कुछ रीड नहीं किया अभी तक। ये जो अभी इंडियन प्राइम स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ है ना, इसमें एक चीज़ सामने आ रही है, वो क्या कि इंडिया स्पेन ताल्लुकात में एक नई एनर्जी है, इंडिया स्पेन ताल्लुकात के अंदर एक नई एनर्जी है। अब आप देखें यार, वडोदरा के अंदर रोड शो करना, ठीक है, मोदी साहब के और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के जनाब वो पोर्ट्रेट्स दिए जा रहे हैं, हालांकि पहले वो प्लान्ड होता है, इन हुकूमत नहीं जारी बात है, वो पोर्ट्रेट्स होते हैं बना के दिए होते हैं, या उनका किसी से रब्ता होता है कि यार जो अच्छे पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं कि हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा है, अगर आप पोर्ट्रेट बना के देना चाहें तो आप दे दें पोर्ट्रेट, ठीक है जी। ये चीज़ें होती हैं, ये ऑप्टिक्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, ये हुकूमतों का काम होता है ये चीज़ें करना। अब क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे इंडिया ये सारी की सारी मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये छोटे जहाज़ हैं, 70 एक ट्रूप्स लेके जा सकते हैं, कोई 50 पैरा ट्रूपर्स लेके जा सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि इंडिया इज़ ऑन अ पाथ ना, इंडिया चल तो पड़ा है ना भैया, ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि आप देखें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जहाँ पे वो लेके गए हैं उनको, आप इमेजिन करें यार, उन्होंने ये बता दिया है कि सिर्फ दिल्ली हमारा आखिरी शहर नहीं है, पहला शहर नहीं है, ये चीज़ पाकिस्तान को भी करनी चाहिए कि लोग लाहौर भी जाएं, लोग मुल्तान भी जाएं, लोग कराची भी जाएं, लोग और जगहों पे भी जाएं। मोदी साहब ने गुजरात को बहुत उठा दिया है, और आपको पता है इंडिया के अंदर ये बड़ी बात होती है कि जिसे वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उठा दिया मोदी साहब ने, टिका के उठाया हुआ है, ठीक है जी। और ये इस चीज़ को जहन में रखना है कि जिस तरह जिसे वो कहते हैं ना, मोदी साहब ने गुजरात को उठाया है कि एक दो तीन रियासतों को उठाओ, क्योंकि मोदी साहब की होम स्टेट है, वहाँ सीएम रहे हैं 10-15 साल, तो जब बंदा इतनी 15 साल सीएम रहे, उसका दिल तो करता है ना फिर मैं अपनी उस जहाँ पे मैं हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी को शौक है लेगेसी छोड़ने का। वाहिद एटमी ताकत, बाहर निकलो सवाए चंद पौश बस्तियों के, और ये इन गवर्नर हाउस तो पलाने टमकाने हाउस या सेक्रेटेरिएट जी ओ आर शी ओ आर या अच्छी पौश महंगी बस्तियों के अलावा क्या है, गंदगी का ढेर है। इसका मतलब है आधा ईमान तो तुम गारत करके निकले घर से, बाकी
झूठ आम, मिलावट आम, दो नंबरी आम, रिश्वत आम, हराम आम, तो ये बाकी या क्या फरमाया रब्बे ज़िदनी इल्मा, इकरा से शुरू, चीन जाओ इल्म हासिल करने के लिए। पाकिस्तान में क्या होता, छोड़ो बाकी जड़े 56-58 मुल्क हर साल 8 नोबेल प्राइज होने चाहिए कम से कम, 58 मुल्कों में 8, चलो इसको भी दफा करो, 4 इसको भी दफा करो, 1 कंट्रीब्यूशन। ये दुनिया आज, इस दुनिया की जो शक्ल है मरियम बेटा, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन 0 भी नहीं है, इसलिए हमारा रोल इस दुनिया में 0 भी नहीं है। जितनी आज की दुनिया में हमारी कंट्रीब्यूशन है आलम इस्लाम की, जितनी कंट्रीब्यूशन है उतना ही रोल है। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन 0 है, आपका रोल भी 0 है। 58 मुल्क, 58 मुल्क, वो खुदा का खौफ। देखो बात तो पुण्य की है, लेकिन थोड़ा सा सोच लोगे तो सुकून आ जाएगा। नाम तो हमारा भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 3 लफ्ज हैं, इन तीनों पे अलग अलग गौर करो और देखो तुम इनमें से किसी एक लफ्ज के मयार पे पूरा उतरते हो, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। वो एक शेर है, हमारी जिंदगियां कितनी मुख्तलिफ होती, तुम मुझसे क्यों ना मिला 8-10 बरस पहले। वाह, तो हमारी जिंदगियां मुख्तलिफ होती हैं अगर हम अपने दीन को, मैं कहता हूं सिर्फ 10% ही प्रैक्टिस कर लो, इल्म और दयानत बस, चलो बाकी सब छोड़ दो। तो जो जिन मुल्कों में जमहूरियत पिनप रही है, वहाँ का वज़ीर आज़म हो, सदर हो, कोई भी हो, तो वो रोड पे बड़ी बासानी निकल आता है। क्यों कि अवाम में इतनी हलचल नहीं होती, वो देख के खुश होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में अगर इस तरह कोई कांड हो जाता है तो वो ज़्यादा हलचल ये होती है कि आवाज़ें कसना शुरू हो जाते हैं कि चोर आ गए। और सर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी आप जाएं, वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी इनका क्या हाल करते हैं, हम सोशल मीडिया पे वो बखूबी देखते हैं। हाँ जी, देखिए फ्रस्ट्रेशन है ना, कि मतलब अवाम परेशान है, हालात बेकाबू हैं, दुखी हैं, तो वो किस पे निकालेंगे, इन्हीं लोगों पे गुस्सा निकालेंगे। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री या दूसरी कंट्री को आप इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लैंड के वज़ीर आज़म हों या उनके कोई मेयर हों, वो आपको रोड्स पे चलते बाइसाइकिल चलाते नज़र आएंगे। वो क्योंकि वहाँ पे एक स्मूदली सिस्टम चल रहा है। हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो अलमिया है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मुल्क जो बैकवर्ड मुल्क हैं थोड़े से, यहाँ पे ये एक्टिविटी करते हुए लोग डरते हैं। ठीक है, तो मोदी साहब ने किया तो खुशाइंद कहेंगे, इनको होना चाहिए। पता है कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब को आदत है एक गैलेक्सी छोड़ने की, वो हमेशा एक गैलेक्सी छोड़ कर जाते हैं। देखें वो पावर में है ना, उन्होंने अपने आप को तीसरी हुकूमत बना के अपनी पावर भी दिखाई, तो उसका एक एलिमेंट तो है कि मतलब उसको अभी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म वो तो नहीं कहा जा सकता ना। कि मेरे ख्याल में इंडिया में, अब मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन 3 बार हुकूमत करना बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। और सर सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, उन्हें दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर तस्वुर किया जाता है। और दूसरा ये है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया है तो वो हुकूमत कैसी भी थी, वो एक ही हुकूमत के तसलसल की वजह से हुआ ना, नहीं तो हुकूमतें आती हैं दूसरे प्रोजेक्ट बंद कर देती हैं, वो अपनी पिछली गई हुकूमतों के प्रोजेक्ट को बंद कर देती हैं, नए लॉन्च कर देती हैं, इसी तरह लॉस होता रहा है। तो शायद मोदी साहब के क्रेडिट में ये भी एक चीज़ आती हो कि 3 हुकूमतों का तसलसल था तो इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया, तो अच्छी बात है। और अभी मेरे ख्याल में जब से ये पाकिस्तान अपने क्राइसिस में गया है तो हम इंडिया को भी भूल गए, कश्मीर को भी भूल गए, अपनी दाल रोटी में लगे हुए हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया हमारा दुश्मन था कि कोई और हमारा दुश्मन था, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हाँ जी, तो अब वो कश्मीर भी गया, उसको आज़ाद क्या करवाना था, वो मकबूजा कश्मीर था और आज पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना।